और इसी बेहद अहम केस से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपी साहिल खान की 2 दिन की पुलिस रिमांड और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि 2 दिन की रिमांड पर साहिल खान उससे पूछताछ की गई थी और आज जब कोर्ट में पेशी हुई है तो पुलिस ने बताया है कि किस तरह की पूछताछ हुई है और अभी आगे और ज्यादा पूछताछ की जरूरत है, क्योंकि जिस निर्ममता से उसने नाबालिग की हत्या की है कई ऐसी चीज है जो अभी साफ तौर पर अपने कबूलनामे में वो जाहिर नहीं कर रहा और इसीलिए अभी और ज्यादा पूछताछ की जरूरत है। 2 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है, ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। ऐसे में जबकि अब उसका साइको एनालिसिस टेस्ट भी करवाया जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति पहचानने की कोशिश होगी, उसकी प्रकृति नेचर प्रवृत्ति क्या थी ये जानने की कोशिश होगी और इसीलिए अभी कुछ और वक्त लग सकता है। ये बड़ी खबर, 2 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई है साहिल खान की। ऐसे में जबकि 2 दिन की पुलिस रिमांड पर था साहिल और आज जब हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां उनके परिजन मौजूद हैं, शोक में हैं, गम में हैं, आंखें नम हैं और ऐसे में वो चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा उस आरोपी को मिले जिन्होंने उनकी नाबालिग बच्ची की निर्ममता से हत्या की है। मानो हमारे सहयोगी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, मानो 2 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है, क्या कहा गया है कोर्ट में जांच एजेंसी की ओर से, अधिकारियों की ओर से? देखिए, दिल्ली पुलिस को क्या है कि जो चाकू है जिससे हत्या की गई उसकी सबसे पहले तलाश करनी है और इसीलिए पुलिस को समय चाहिए। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी प्रशांत दिए आ रही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि साहिल को प्रवीण के सामने बिठाकर भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है, क्योंकि प्रवीण का नाम इस पूरे घटनाक्रम में लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रवीण साहिल को सामने बिठाकर एक तरीके से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। और एक बड़ी खबर ये भी है कि जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो आप देखेंगे सीसीटीवी में पीछे कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहें जावेद, हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या अपडेट है आपके पास? 2 दिन की रिमांड और बढ़ी है। देखिए, 2 दिन की रिमांड बढ़ा दी है पुलिस ने। इस बात की पहले से ही संभावना थी कि पुलिस और रिमांड मांगेगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो आलाय कत्ल है चाकू, उसकी बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस ने यही दलील सामने रखी है। साथ ही जो प्रवीण है उस एक नया किरदार वो सामने आया है, उससे भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो ये ऐसे कई पहलू हैं इस पूरे केस में जिसमें पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी जिसे कोर्ट ने बढ़ा दिया। रोहिणी, कोर्ट से 2 दिन की पुलिस की रिमांड और इस मामले में बढ़ गई। अब पुलिस को और इस मामले में तेजी से तफ्तीश आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि लगातार अभी जो चाकू है, जिस चाकू से हमने देखा कि बर्बर तरीके से हत्या नाबालिग लड़की की साहिल ने की थी, उसको बरामद किया जाना बाकी है। लिहाजा और कई तफ्तीश और कई कड़ियां अभी जोड़ना बाकी है, इसीलिए पुलिस ने रिमांड मांगी थी और 2 दिन की पुलिस को कस्टडी मिल गई है। जी,